हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स। दबाव समूह है वो दो भागों में बांट सकते हैं, औपचारिक समूह है और अनौपचारिक समूह है। औपचारिक समूह में इस समूह के गठन से लेकर समस्त क्रिया विधियों के लिए कुछ नियम निर्धारित होते हैं तथा इन्हें सामान्यतः सभी सदस्यों द्वारा पालन किया जाता है। समूह के प्रमुख का एक औपचारिक पद होता है जिसके कुछ कर्तव्य और उनका पूरा करने के लिए कुछ शक्तियां होती हैं। इस पद को धारण करने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है जो नियमों और विनियमों द्वारा निर्धारित की जाती है। इस पद हेतु योग्यताएं और अयोग्यता भी निर्धारित की जाती हैं। साधारणतः इन शब्दों में औपचारिक समूह का प्रत्येक कार्य एवं गतिविधि किसी औपचारिक प्रावधान के अंतर्गत होता है। दूसरा है अनौपचारिक समूह। अनौपचारिक समूह में इसमें सदस्यता व अन्य क्रियाकलापों के लिए कोई निश्चित विधि व नियम नहीं बनाए गए होते हैं तथा इस समूह के सदस्य एक रूपता या समानता के आधार पर बनते हैं और असमानता होने पर समूह से छोड़ देते हैं। ऐसे समूह में कोई औपचारिक पद व पदभार भी नहीं होता और नए सदस्यों के कोई निश्चित कर्तव्य होते हैं। इन समूह में प्रत्येक एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता होता है जो इस समूह का अघोषित प्रमुख होता है तथा यह अपने नेतृत्व गुणों के आधार पर समूह का संचालन करता है और समूह के सदस्यों को अनौपचारिक रूप से कर्तव्य सौंपने व संगठित करने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं औपचारिक दबाव समूह के लक्षण। सबसे पहले हम देखते हैं संगठन की अनिश्चितता। दबाव समूह की कोई निश्चित संरचना नहीं होने के कारण उन्हें औपचारिक या अनौपचारिक संगठन में वर्गीकृत करना कठिन होता है। सामान्यतः दबाव समूह औपचारिक संगठन की तरह व्यवहार करते हैं जिनकी कोई निश्चित संरचना, कार्यविधि या उद्देश्य नहीं होते और ये सिर्फ हितों के प्रश्न पर ही संगठित होते हैं और धरना प्रदर्शन या अन्य विधियों द्वारा सरकार पर दबाव बनाते हैं। ऐसे संगठन के सदस्य किसी सामाजिक, आर्थिक या अन्य आधार पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है संगठन औपचारिक रूप धारण कर लेते हैं। वही कुछ ऐसे दबाव समूह भी होते हैं जो प्रारंभ से ही औपचारिक रूप से गठित होते हैं और संगठन के संविधान व नियम विनियम द्वारा संगठन की संरचना, कार्यविधि, उद्देश्य आदि को स्पष्ट कर दिया जाता है। दूसरा है सीमित उद्देश्य। दबाव समूह राजनीतिक दलों व अन्य संगठनों की तरह बृहद कार्यक्षेत्र व बृहद उद्देश्यों पर कार्य नहीं करते हैं। दबाव समूह के उद्देश्य सीमित होते हैं तथा ये समूह के हित व सदस्यों के हित पर ही सीमित रहते हैं। दबाव समूह द्वारा इन सीमित उद्देश्यों के आधार पर सरकार या प्रशासन को प्रशासन के सिर्फ उन छोटी नीतियों व निर्णयों को प्रभावित किया जाता है जो उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वहित। दबाव समूह के अस्तित्व में आने का एकमात्र आधार सर्वहित को साधना है। दबाव समूह का गठन भी समान हितों के व्यक्तियों द्वारा इन्हें पूरा करने के लिए किया जाता है तथा दबाव समूह की गतिविधियां भी हित सिद्धि तक ही सीमित रहती हैं। दबाव समूह समूह के हित व समूह के सदस्यों के हितों से संबंधित सरकारी नीतियों व निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और उन्हें अपने हितों के अनुरूप परिवर्तित करवाकर अपना कार्य सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गैर राजनीतिक प्रकृति। दबाव समूह की प्रकृति राजनीतिक दलों से भिन्न होती है तथा यही कारण है कि जो किसी संगठन को राजनीतिक दल व दबाव समूह में वर्गीकरण करने का आधार बनता है। दबाव समूह किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया यथा चुनाव लड़ना, राजनीतिक दल का प्रत्यक्ष समर्थन करना, विधायिका में प्रतिनिधित्व करना, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना आदि में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, नहीं प्रत्यक्ष रूप से किसी राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं परंतु अप्रत्यक्ष रूप से किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना, राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में माहौल बनाना जैसी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।
अतः कहा जा सकता है कि दबाव समूह शुद्ध राजनीतिक गतिविधियों में भाग न लेकर सिर्फ राजनीतिक क्रिया अनुमुखी गतिविधियों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हित आधारित सदस्यता। हित के आधार पर गठित होने के कारण दबाव समूह के सदस्य भी हितों के आधार पर ही सदस्यता ग्रहण करते हैं। सामान्यतः समान हितों के कारण ही कोई व्यक्ति किसी दबाव समूह की तरफ आकर्षित होता है और समूह की सदस्यता ग्रहण करता है। वही हितों में भिन्नता पाई आने पर कोई व्यक्ति समूह की सदस्यता त्यागने के लिए भी स्वतंत्र होता है। प्रत्येक दबाव समूह के कई विशिष्ट हित होते हैं और ये हित व्यक्तियों के विशिष्ट हितों से समानता रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कार्यकाल की अनिश्चितता। दबाव समूह की प्रकृति और उद्देश्यों के कारण उनके कार्यकाल में अनिश्चितता पाई जाती है। यदि दबाव समूह किसी सामान्य या छोटे हित के लिए गठित होता है तो उस हित की सिद्धि होने के पर दबाव समूह का अस्तित्व महत्वहीन हो जाता है, अतः उसे भंग कर दिया किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रशासन या सरकार की किसी नीति या निर्णय के विरुद्ध गठित दबाव समूह है उस नीति में परिवर्तन के बाद महत्वहीन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिकता। संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ भी मनुष्य व शासन का अस्तित्व है वहाँ वहाँ दबाव समूह का अस्तित्व है। समय स्थान परिस्थिति के अनुसार दबाव समूह की प्रकृति में भिन्नता होती है, परंतु दबाव समूह की गतिविधियों में भिन्नता हो सकती है। जैसे सामान्यतः लोकतांत्रिक राष्ट्रों में ये अधिक मात्रा में खुले रूप से पाए जाते हैं, जब वहीं तानाशाही राजशाही सर्वाधिकारवादी शासन में ये सीमित एवं गुप्त रूप से संचालित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तनीय प्रकृति। दबाव समूह सामान्यतः राजनीतिक प्रकृति के नहीं होते और राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी नहीं करते। यही एक निर्धारित रेखा है जो दबाव समूह व राजनीतिक दलों से पृथक करती है, परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि दबाव समूह शासन पर दबाव बनाते बनाते राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने लग जाता है और सत्ता पाने का प्रयास करने लगता है, जो कि उसकी प्रकृति के में दबाव समूह से राजनीतिक दल में परिवर्तन को दर्शाता है। इस प्रकार के परिवर्तन के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें शासन पर पर्याप्त दबाव बनाकर अपने इच्छानुसार नीतियों और निर्णयों में परिवर्तन करवाने में सफल होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दबाव समूह सत्ता प्राप्ति द्वारा हित साधने का प्रयास करता है तथा सामान्यतः यह सार्वजनिक हितों के मामलों में होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अविधिक विधियां। सभी दबाव समूह में यह सामान्य लक्षण पाया जाता है कि वह अपने हितों को साधने व अपनी बात मनवाने के लिए विधिक या अविधिक किसी भी प्रकार की गतिविधि का सहारा ले सकता है। दबाव समूह द्वारा हड़ताल, बंद, तोड़फोड़ आदि करना आम बात है और ये सभी विधियां अविधिक हैं। जहां राजनीतिक दल संवैधानिक विधियों में विश्वास रखते हैं, वहीं दबाव समूह हित साधने व परिस्थितियों के आधार पर संवैधानिक या असंवैधानिक विधि के प्रयोग में पीछे नहीं हटते। धन्यवाद।